आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। नगर निगम के राजस्व वसूली को लेकर पिछले साल की 700 करोड़ रुपए की वसूली से अधिक का टारगेट तय किया गया, जिसके लिए निगम युक्ति ने अलग अलग जोन प्रभारियों को बुलाकर एक आवश्यक बैठक कर कुछ निर्देश जारी किए। दरअसल 31 मार्च को वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है, जिससे नगर निगम इंदौर पर राजस्व वसूली का दबाव रहता है, जिसे लेकर निगम युक्ति से लेकर नियम स्तर के सभी कर्मचारी जान लगाकर वसूली अभियान में जुटे हैं। साल 2020 से 2021 तक 700 करोड़ की वसूली की गई थी, जो कि निगम के इतिहास में सबसे बड़ी राजस्व वसूली के नाम पर दर्ज है। साल के खत्म होने से पहले ही निगम पर पिछले साल की वसूली से ज्यादा का टारगेट तय किया गया, जिसके लिए निगम युक्ति प्रतिभा पाल ने निगम के सभी जोन के प्रभारियों की आवश्यक एक बैठक बुलाई। महीने की ओर हम लोग जा रहे हैं वर्ष अंत में, तो वर्ष अंत से पहले किस प्रकार के हमारे रेवेन्यू रिकवरी रहे, जो पिछली बार की रेवेन्यू रिकवरी थी उससे अधिक रहे, इसको लेकर के बैठक की गई है। सभी जोन्स की टीम ने अपनी तैयारी की है, जो बड़े बकायेदार हैं उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, प्रॉपर्टी उनकी अटैच की जाएगी क्योंकि वो लंबे समय से बकायेदार हैं। साथ ही जिन वार्डों में बकायेदारों की संख्या ज्यादा है वहां कैंप लगाकर भी नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर के अगले जो आने वाले 2 महीने हैं वो रेवेन्यू की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी टीम उसमें गियर अप होकर काम करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।